हिंदी है तेलुगु? हिंदी हिंदी। आप सबको मालूम है सारे दुनिया जो है ये कोरोना वायरस का शैतान की वजह से परेशान में मुब्तिला है। ये कोरोना वायरस जो है हजारों लोगों का जान ले चुके हैं और साथ साथ में लाखों लोगों को अपने मुट्ठी में बन के रखे है। ये कोरोना वायरस जो है अपना तेलंगाना स्टेट में, खासकर अपना हैदराबाद सिटी में नहीं फैलना बोल के अपना गवर्नमेंट जो है एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकाले है, उसमें ये बता चुके हैं सुबह 6 बजे से लेके 7 बजे तक जो रिलैक्सेशन करे लोगों के लिए, जो लोग तरकारी लेने के लिए, किराना लेने के लिए और मेडिकल फैसिलिटी, हॉस्पिटल जाना का बताने का, डॉक्टर से मिलने के लिए, उसके लिए यह सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक टाइम दे चुके हैं। और साथ साथ में आज शाम में 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है लोगों को बाहर नहीं आने के लिए। मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस तरफ से ये कोरोना वायरस शैतान को ख़त्म करना है तो हर इंसान जो है अपना आप को घर में बैठ जाना है। ये शैतान जो है अपना नज़र नहीं दिखता, किससे फैलता नहीं मालूम, किसका जिसम में ये वायरस है नहीं मालूम। इसका वजह से लोगों से एहतियात कर लेना, वो एक ही दवा है। वो एहतियात करने के लिए गवर्नमेंट ऑर्डर निकाले हैं सबको घर में बैठने के लिए। और बाहर आने वाला है तो ये तरकारी लेने के लिए, नहीं तो किराना लेने के लिए, मेडिकल शॉप जाने के लिए बाहर आना है तो मोटरसाइकिल पे एक ही आदमी आना, कार में दो ही आदमी आना। इससे हटके जो भी आता उसको गाड़ी सीज कर देते। जब तक ये लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता तब तक वो गाड़ी छोड़ते नहीं। कल से ये बातों को मद्देनजर रखते हुए कल से बहुत सख्त कार्रवाई करने वाला है पुलिस डिपार्टमेंट। सारे आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जो ऑर्डर निकला हुआ है उसका मुताबिक आपका ज़िंदगी बना लेना है। थैंक यू। अरे भाई तुम्हारा काम तुम्हारा है, हमारा काम क्या करना? हेलो, आप सबसे छठी उपाने है ना, कोई भी बाहर नहीं आना और सोलर को ऐसी जाना आना। सस्ते वाले तो खाली बेसिक नीड के लिए, जैसे दूध चाय और ब्रेड के लिए, जैसे राशन पानी के लिए डाल देना। मेरे भाई के पास गया, मेरी बहन की तबीयत खराब है, बाहर नहीं जा सकते। अगर इमरजेंसी बाहर आना ओके ना, अगर कल से अगर 7 बजे के बाद टोटल करती रहेगा टोटल घर पर रहना ओके ना। कोरोना वायरस जाएगा और कानूनी निर्णय लिया जाएगा। हैदराबाद ट्रैफिक।